हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे सेल की, जो मैंने लास्ट क्लास में बात की थी आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने लास्ट क्लास आपसे डिस्कस की थी। और आज हम प्लास्टिड की बात करेंगे, जिसका एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, जहां पे होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अभिक्रिया, जो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो प्रकार की होती है। लेकिन उससे पहले मैं क्लोरोप्लास्ट पे जाऊं, आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बता दूं। सेल मैंने पढ़ा, हमने पढ़ाया सेल को, और हमने पढ़ा अच्छे तरीके से सेल को कि सेल में है क्या एक्चुअली। सेल की मेम्ब्रेन देखी, सेल मेम्ब्रेन जो कि एक तरीके से प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सेल के अंदर हम लोगों ने एंट्री किया तो देखा कि बीच में प्लांट सेल के में बात कर लो तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस बीच में नहीं होता है, साइड में होता है, वैक्यूल के कारण शिफ्ट हो जाती है न्यूक्लियस, मैंने समझाया। एनिमल सेल में न्यूक्लियस लगभग बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अलावा अगर साइटोप्लाज्म में देख लो, कोशिका द्रव्य में, तो बहुत सारे कोशिकांग उसमें तैर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने डिस्कस कर लिया है, क्लोरोप्लास्ट आज डिस्कस करूंगा, जिसका एक प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, और प्लास्टिड के बाद आपको राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडी है, स्पेरोसोम्स है माइक्रोबॉडीज के फॉर्म में, लोमोसोम्स है, ग्लाइओक्सिसोम्स है, मैंने आपको समझाया था माइक्रोबॉडीज, ठीक है, इनका भी रोल थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अच्छे से पढ़ते जाइए, जो भी है एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको उतना बताते जा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट की जरूरत है आपको, ठीक है। तो उसके बाद सेल के अंदर की जो कुछ ऑर्गेनल्स है मैं उसकी डिस्कशन करूंगा, बट उससे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपसे बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का कैसा ऑर्गेनल है, सेकेंड मोस्ट कॉमन सेल ऑर्गेनल ऑफ सेल। सेकेंड मोस्ट कॉमन सेल ऑर्गेनल अगर बात करोगे, कोशिकांग सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रिया था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन मैंने बात की थी, और फंक्शन में आपको अभी थोड़ा सा और समझा देता हूं। फंक्शन मैंने आपको बताओ क्या बात किया था, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, आप समझ रहे हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने समझा, मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना है, रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, जो कि रिएक्शन आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन नाम जरूर रखना है कि कहां हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। जैसे कि गेटवे रिएक्शन है, मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस होती है पहले, फिर गेटवे रिएक्शन वगैरह है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और उसके बाद आपको जाके एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी बनता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल की करेंसी है एटीपी, वो बनती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कैसे बनता है मैंने समझाया था आपको, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी का निर्माण हुआ। लेकिन एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है, क्लोरोप्लास्ट में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे बनता है मैंने समझाया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जैसे एटीपी बनेगी, मैं आपको यहां समझाऊंगा, यहां पे भी एटीपी बनती है, यहां पे भी एटीपी बनती है, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनती है और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। तो एटीपी जो यहां बनती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट की जो एटीपी होती है वो प्रोसेस जो है, जिस प्रोसेस के थ्रू बनती है, उस प्रोसेस का नाम है लाइट डिपेंडेंट होती है, लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, लाइट डिपेंडेंट फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो, फोटो मींस लाइट। तो ये मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक फंक्शन तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे अलग से, इसकी फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ये चार इसके अंदर फिजियोलॉजी का पार्ट है रेस्पिरेशन का, वो बात की बात है। ये फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद अगर बात करो तो इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड्स हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग फैट पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स बात करेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसमें पामिटिक एसिड क्या है, ब्यूटायरिक एसिड क्या है, लिनोलेइक एसिड क्या है, लिनोलेनिक एसिड क्या है, एराकिडोनिक एसिड क्या है, इन सब की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन फैट सबको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज डाइजेशन में हमको इसी चीज का डाइजेशन कराना है। आप जो खाते हो क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, यही तो है ना, इसका डाइजेशन करना है ना, तो डाइजेशन पढ़ाने वाला हूं, उससे पहले मैं
कॉपी करके दे दूंगा आपको न्यूट्रिशन, ठीक है। और बात बच्चा हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हो, जो आपने सुना होगा हेटरोट्रॉप्स, परपोषी, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स, इनकी भी डिस्कशन में अलग से करूंगा आपसे, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ व्हाट, फैटी एसिड हम लोग पढ़ेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स, ठीक है। तीसरा, लेसिथिन एक नाम का केमिकल होता है, सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन इज ए नथिंग बट एक तरीके से फॉस्फोलिपिड होती है, एक तरीके से, ठीक है, फॉस्फेट डाइल, एक कोलीन के नाम से जाना जाता है, बट एक तरीके से आप समझ सकते हो फॉस्फोलिपिड लिपिड है एक तरीके से, इसकी भी सिंथेसिस होती है, ठीक है, इसकी भी सिंथेसिस यहां पर होती है, सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन। कभी मेंस में लिखने को वाज है माइटोकॉन्ड्रिया ना, पावर हाउस है ना सेल का पावर हाउस है, यही तो एटीपी बन रही है, बहुत सारा काम भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उसमें से एक काम है एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, यहां पे आपको बहुत सारे रिएक्शन होंगे जो मैंने बताया, एटीपी का सिंथेसिस होगा। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया काम है फैटी एसिड्स का इलोंगेशन करना, तीसरा लेसिथिन को सिंथेसाइज करना, लेसिथिन को बनाना, फॉस्फोलिपिड एक तरीके से होती है लेसिथिन, ठीक है। लिपिड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लिपिड जब पढ़ाऊंगा ये भी लिपिड में पता चलेगी, रेस्पिरेशन अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टोरेज ऑफ एटीपी, एटीपी को स्टोर भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, स्टोरेज ऑफ एटीपी, ठीक है, एटीपी बनेगी और स्टोरेज भी होगी और इसका ट्रांसपोर्ट भी होगा, ठीक है। एटीपी चाहिए ना, यही तो एनर्जी है, इसी को तो यूज करती है अलग अलग ऑर्गन में, हमारा एटीपी यूज होगा अलग अलग ऑर्गन में, एटीपी यूज होगी तो एनर्जी जो चाहिए ना वो एटीपी के फॉर्म में होती है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, और वो एटीपी ही यूज की जाती है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो ये एनर्जी जो हमारे बॉडी में होती है वो एटीपी के ही फॉर्म में होती है, यही एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी समझ पाती है, यही करेंसी हमारे सेल का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट मतलब तीन फॉस्फेट है, ठीक है, इसलिए तीन फॉस्फेट की बात कर रहा हूं। एडिनोसिन जब आप पढ़ोगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये सारी की बात करूंगा जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा तो समझ जाओगे। स्टोरेज ऑफ एटीपी की बात कर लो, उसके बाद मैटरनल इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस समझोगे, मैटरनल इनहेरिटेंस की बात यह है जो इसकी डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया वाली, याद है बताया था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए होती है वो डीएनए एक्चुअली हमको मदर से मिलती है, फादर से नहीं आती है, मदर से मिलती है। उसका रीजन है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ऊसाइट एग का फ्यूजन जब पढ़ाऊंगा, फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगी, बट राइट नाउ आप समझ सकते हो कि मैटरनल इनहेरिटेंस में भी माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के डिफेक्ट से कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जो थ्री पेरेंट बेबी की कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी, यूके में आया था, जो कि बायोटेक में समझाऊंगा आपको, ठीक है। और जीन वगैरह मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। और चौथा जो है और छठा जो है फोटोरेस्पिरेशन। देखिए फोटो मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन आप समझते हो, नहीं समझते हो तो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से अलग होता है, दोनों अलग है, वो रेस्पिरेशन और ब्रीद करना, ब्रीद मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो अलग है दोनों, ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। तो फोटो रेस्पिरेशन भी है, फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली जो है ये कहीं स्टार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में, फिर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये फंक्शन है, बाकी लास्ट क्लास में मैंने कुछ और बताया था वो भी नोट कर लेंगे, ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी जानकारी रखोगे, मेंस में कभी आएगा लिखने को तो ध्यान रखना है, फंक्शन तो लिखोगे ना माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या यही लिखोगे, क्रिस्टल होता है, ऑक्सीजोम्स होते हैं, अपर आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, डीएनए है, यही लिखोगे। अब उसकी फंक्शन भी तो लिखोगे ना, उसका कार्य क्या है, क्या बॉडी में कर रहा है, तो एक लिखोगे पावर हाउस है सेल का, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, गेटवे रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं इन सारे माध्यम के थ्रू एटीपी बनती है, एटीपी बनने की क्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ये समझोगे, उसके बाद बताओगे कि सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन कराता है, इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड कराता है, ये सारी चीजें जब बताओगे, मैटरनल इनहेरिटेंस में भाग लेती है, ठीक है ना, मैटरनल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब समझ रहे हैं, इनहेरिट हो रहा है कोई चीज, वांशिकी अनुवांशिकी वगैरह समझोगे तो समझाऊंगा जेनेटिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद अगर बात करूं तो देखो एटीपी की बात कर ली, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कब बढ़ेगा, किसी भी सेल के अंदर जब सेल डिवीजन चल रहा होगा ना, तो उस समय नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, जब सेल डिवीजन हो रहे हैं, एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कब ज्यादा होते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ ले, तो सेल डिवीजन के दौरान देखोगे द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की बात करो तो 10% ऑफ प्रोटीन, 10% प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो बना देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए है, मैंने बताया था ये जो 10% प्रोटीन जो चाहिए, ठीक है, हर प्रोटीन इंजाइम्स के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। इंजाइम्स कैटालिटिक कैटलिस्ट होते हैं, एक तरीके से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं इंजाइम्स, उसकी बात मैं करूंगा जब उसकी समय आएगी। तो 10% प्रोटीन की बात कर लो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स याद है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर इंजाइम्स बहुत सारे हैं, याद होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए है वो कोड कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या कर सकता है, कोड कर सकता है, कोड करेगा भाई, डीएनए है, इंफॉर्मेशन होगा, तो कोई तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपसे समझा था, डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जाके प्रोटीन बनता है, तो कोई डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है तो कुछ तो बनाएगा ना उस इंफॉर्मेशन का, तो क्या है, प्रोटीन, उस इंफॉर्मेशन से कुछ प्रोटीन बनने वाली है। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो कोड करेगा 10% माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन का, पूरे प्रोटीन का 10% तो यही कोड कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि 10% कोड कर रहा है ना, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट है, कुछ तो मिल जाती है इसके अंदर जो इंजाइम्स है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, लेकिन बाकी के लिए न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट है। तो 10% हो गया, बाकी का जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स 90% प्रोटीन। 90% प्रोटीन के लिए क्या है, लगभग माइटोकॉन्ड्रिया कहां डिपेंडेंट होगा, न्यूक्लियर डीएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उस पर डिपेंडेंट होती है 90% प्रोटीन के लिए, बाकी 10% जो प्रोटीन है या इंजाइम्स है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बना लेता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, ठीक है। इसीलिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है क्योंकि कुछ तो इंजाइम्स बना ले रहा है अपने रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन चलने वाली है क्रेब्स साइकिल वाला, और बचे हुए एंजाइम्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए से काम नहीं चलता है, न्यूक्लियर डीएनए चाहिए, जो 90% प्रोटीन या एंजाइम्स, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। तो ये 90% के लिए डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियर डीएनए पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है सिंपल फिजन, फिजन होते हैं सिंपल, न्यूक्लियर जब सेल डिवीजन होगा तो फिजन के दौरान ये एक से दो बन जाएंगे, ऐसे डिवाइड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल बना, तो दोनों सेल जो बना है उसे माइटोकॉन्ड्रिया जाना चाहिए ना, तो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, तो जो सेल था जो डिवाइड करने वाला है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी फिजन हो जाएगी, फिजन, एक फिजन होगा तो दो बनेंगे, दोनों में सेल में पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करता है सिंपल फिशन के द्वारा, ठीक है, सिंपल फिशन के द्वारा डिवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्लांट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट कोशिका में सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सेकेंड लार्जेस्ट कोशिकांग जो है प्लांट कोशिका में वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और प्लांट कोशिका में सबसे बड़ा कौन होगा, सेकेंड लार्जेस्ट ये है तो प्लांट कोशिका में साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में सबसे बड़ा है प्लास्टिड, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लवक, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल एनिमल कोशिका में साइटोप्लाज्म में कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल में है, ठीक है। और प्लांट सेल में सेकेंड लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है प्लांट सेल में, प्लास्टिड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एब्सेंट होता है आरबीसी में, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में एब्सेंट है, आपको पता है, प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट है, आपको पता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होता है ये ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत हद तक आप देखो बायोटेक्नोलॉजी की लेवल क्या है तब पता चलेगा आपको, ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो जाती है, बायोटेक टेक्नोलॉजी के काम है बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होगी, वहां पे जेनेटिक्स के लेवल पे बहुत सारा काम किया जाएगा, तब जाकर आप समझोगे कि क्या क्या हो रही है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम, ठीक है। चाहे वो कॉटन का काम हो, कॉटन बॉल वर्म हो, जो भी हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, जब साइंस टेक्नोलॉजी आ रही है उसके में आपको मिल जाएगी धीरे धीरे, अभी एनर्जी स्टार्ट हुई है, एनर्जी पढ़ते जाइए, फिर आपको धीरे धीरे बायोटेक भी मिल जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अंडर न्यूक्लियर कंट्रोल, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो डुप्लीकेशन है, द्विगुणन जो है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करेगा ना ये, एक से दो डुप्लीकेशन तो होगी ना, ये कहां है, किसके कंट्रोल में, न्यूक्लियर डीएनए के कंट्रोल में है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है न्यूक्लियर डीएनए के कंट्रोल में है, एक तरीके से आप समझ सकते हो न्यूक्लियर कंट्रोल में है, ठीक है।
तो डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो डुप्लीकेशन है इसका दुगुना हो रहा है, वो न्यूक्लियर कंट्रोल में है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अंडर न्यूक्लियर कंट्रोल, न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, नाभिक के कंट्रोल में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये मैंने लास्ट क्लास आपको बता दिया था, यहां पर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सबसे, उसमें बड़ा कौन है, क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उससे छोटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का कलर कोई पूछे तो येलो कलर का होता है, लगभग येलो कलर का, राइबोफ्लेविन उसके अंदर होती है। ये विटामिन आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो राइबोफ्लेविन में पढ़ाऊंगा। तो राइबोफ्लेविन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कलर येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर, ठीक है, ये ध्यान रखोगे येलोइश कलर होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, आपको पता होना चाहिए, ये क्लोरेम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक होता है, क्लोरेम्फेनिकॉल लिख लो भैया, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्लोरेम्फेनिकॉल, CHLORM, क्लोरेम्फेनिकॉल ये एंटीबायोटिक है, कैन स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उसको स्टॉप कर सकता है क्लोरेम्फेनिकॉल, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही है उसको स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखेंगे तब जाके आपको ध्यान रहना चाहिए, ये एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब उसके बाद प्लास्टिड पढ़ते हैं फटाफट। प्लास्टिड, प्लास्टिड में क्या है, प्लास्टिड की खोज किसने की, प्लास्टिड एक लवक होता है जो कि प्लांट कोशिका में मिल जाएगा और इगुलिना में मिल जाएगा। इगुलिना एक प्रोटिस्ट होता है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे वहां पे इगुलिना आएगा। इगुलिना बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे। प्लास्टिड, ये हम दूसरा सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किए प्लास्टिड, मैंने आपको बताया प्लास्टिड इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन साइटोप्लाज्म प्लांट कोशिका में, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव की बात कर रहा हूं, अदरवाइज न्यूक्लियस देख लो, न्यूक्लियस को पूरा कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। तो प्लास्टिड की बात हो गई, प्लास्टिड किसने खोजा, प्लास्टिड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई हैकल 1866, ठीक है, डेट मत याद रखना बट हैकल को नाम याद रखना। हैकल की इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बात करूंगा मैं इनकी, ठीक है, और जिक्र है प्लास्टिड का अभी बात कर लेते हैं बट इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम लोग इसकी बात करेंगे, हैकल की, हैकल ने खोजा था इसको। और ये लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कोशिका द्रव में सबसे बड़ा ऑर्गेनल यही है प्लास्टिड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बताऊं, प्लास्टिड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, प्रेजेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल में, या प्रेजेंट इन प्लांट सेल बोल दो, प्लांट सेल्स एंड युगलिना, ये प्रोटिस्ट होते हैं, ये प्रोटिस्ट है एक तरीके के, ठीक है, प्रोटिस्ट आपने सुना है, अमीबा पैरामीशियम उसमें से एक एग्जांपल है युगलिना, ठीक है, बड़ा खतरा, अच्छे होते हैं ये, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, कभी हेटरोट्रॉप बन जाते हैं, लाइट नहीं मिला तो ठीक है फोटोसिंथेसिस नहीं करूंगा, हेटरोट्रॉप बन जाऊंगा, ठीक है, लाइट मिल गया तो फोटोसिंथेसिस कर लूंगा, प्रकाश संश्लेषण कर लूंगा और खाना बना लूंगा, ठीक है, फूड बना लूंगा, ऐसे न्यूट्रिशन शो करते हैं ये, तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉप भी है ऑटोट्रॉप भी है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है, क्या कंडीशन है उसके आधार पर, ठीक है, ये होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के आधार पे, पिगमेंट्स आप देख रहे हो ना क्लोरोफिल पिगमेंट होता है आपने सुना होगा, तो पिगमेंट के आधार पे, वर्णक के आधार पे प्लास्टिड को तीन भाग में बांटा गया पिगमेंट्स के आधार पे, ठीक है, पिगमेंट्स के आधार पे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, कलरलेस एक तरीके से, व्हाइट कोई कलर नहीं होती है, ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड है ये। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमा मीन्स कलर, कलर है इसका मतलब, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, और आपका फेवरेट जो आप लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको ग्रीन प्लास्टिड भी बोल सकते हो, ग्रीन प्लास्टिड, या किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं, किचन है सेल का, किचन ऑफ सेल, पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये किचन है,
ठीक है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट मतलब कोई कलर ही नहीं है, व्हाइट का मतलब अब्सेंस ऑफ कलर होता है, ठीक है। व्हाइट, क्रोमो मींस कलर, क्रोमा मींस कलर होता है एक्चुअली, क्रोमोजोम, क्रोमा मींस कलर, क्रोमोजोम मतलब क्रोमोजोम को कलर किया जा सकता है, इसलिए गुणसूत्र को क्रोमोजोम जो सुनते हो ना वो नाम है, क्रोमा मींस कलर होता है। क्लोरोप्लास्ट आपने समझ लिया, अब ल्यूकोप्लास्ट समझ लो। ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप के होते हैं, किस एक्चुअली देख लो प्लास्टिड की बात करो ना, ये कुछ ना कुछ स्टोर करेंगे, फूड को स्टोर करते हैं प्लास्टिड, चाहे जो भी मैं बता रहा हूं ना, ल्यूकोप्लास्ट में भी स्टोरेज होता है, स्टार्च का होगा, प्रोटीन का होगा, लिपिड का होगा, ये स्टोर करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड का मेन रोल जो होता है एक तरीके से स्टोरेज भी होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड आर दोज सेल ऑर्गेनल, ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं विच आर प्राइमरली कंसर्न विद द फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज से कंसर्न है, ध्यान रखना, लिख लो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट की हो गई, और जितने भी तीनों प्लास्टिड मैंने लिखा है, तीनों के तीनों प्लास्टिड आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्रोमो में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टिबल होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो कहां होता है एग्जांपल में बताऊंगा, बट ये ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर इंटरकन्वर्टिबल, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, इतना ध्यान रखोगे। अब मंडलवक की बात करते हैं, मंडलवक मतलब एमाइलोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल टाइप है ल्यूको प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में पहला है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलायोप्लास्ट, तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, और इसका तीसरा नाम एमाइलोप्लास्ट। देखो पहला हो गया एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट ध्यान रखोगे, दूसरा है इलायोप्लास्ट, ई एल ए आई ओ, इलायो, इलायोप्लास्ट, ई एल ए आई ओ, इलायोप्लास्ट। उसके बाद तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं इसको, ए एल ई आर एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, कभी कभी ए एल ई आर ओ भी लिख देते हैं, यू हटा देते हैं, बट एल्यूरोप्लास्ट ऐसे लिखेंगे आप, एल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट। इसको मंडलवक बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट को, ये एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और ये तीनों है, इसका नाम हिंदी में अगर बात करोगे तो मंडलवक है इसका मतलब, ठीक है, नाम ही देख लो कैसा भैया, ये तो प्लास्टिड का मतलब लवक ही है ना, प्लास्टिड का मतलब लवक, ये सेल ऑर्गेनल लवक, ये मंडलवक हो गया, ठीक है, मंडलवक, ये एमाइलोप्लास्ट को मंडलवक बोलते हैं, और टैलद लवक इलायोप्लास्ट को बोलते हैं, टैलद लवक, ठीक है, टैलद लवक इमाइलोप्लास्ट को बोलते हैं, टैलद लवक, और एल्यूरोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूरोप्लास्ट, ए आधा ल यूरोप्लास्ट, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, तो एल्यूरोप्लास्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया तीन, अब आपको क्या लगता है इतना से काम चल जाएगा क्या टाइप पढ़ने से, नहीं, थोड़ा बहुत तो इसकी जानकारी चाहिए। तो पहला एमाइलोप्लास्ट करते हैं, मैंने पढ़ाया था स्टार्च, आपको याद है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए, कार्बोहाइड्रेट मैंने लगभग 99% कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा बहुत बचा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन वगैरह स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन हम लोग वैसे कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि डाइजेशन में जाना है, तो इसलिए जरूरी है उसको पढ़ना, उसको पढ़िए। उसमें मैंने स्टार्च बताया था, स्टार्च को मैंने दूसरा नाम बताया था एमाइलम, एमाइलम, एमाइलम स्टार्च का दूसरा नाम है। तो देखो एमाइलोप्लास्ट है एमाइलम, एमाइलोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड का मेन काम होता है फूड स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं फूड्स को, तो एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, एमाइलम, एमाइलम मतलब स्टार्च, इट स्टोर्स क्या, स्टार्च, बस इतना ध्यान रखना है एमाइलोप्लास्ट के बारे में, इतना ध्यान रखोगे आपका काम हो जाएगा। ये मंड स्टार्च का संग्रह करते हैं, ये मंड स्टार्च का संग्रह करते हैं, बस इतना ध्यान रखोगे आपका काम हो जाएगा, स्टार्च का संग्रह करते हैं ये मंड, मंड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मंडलवक जो है स्टार्च का संग्रह करते हैं। तो दीज आर फिल्ड विथ स्टार्च, ऐसा ही बोल सकते हो, ये फिल्ड होते हैं स्टार्च से, एंड आर जनरली फाउंड इन स्टोरेज ट्यूबर्स, ठीक है, स्टोरेज ट्यूबर में पाए जाते हैं, स्टोरेज क्या, स्टोर होते हैं स्टोरेज ट्यूबर्स, ठीक है, ट्यूबर्स क्या होते हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, तो स्टोर करते हैं स्टार्च को बोल दो, या दीज आर फिल्ड विथ स्टार्च, फिल्ड होते हैं स्टार्च से एमाइलोप्लास्ट, और जनरली फिल्ड विथ किस चीज से फिल्ड होते हैं, स्टोरेज ट्यूबर्स में जनरली पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कहां, जनरली फाउंड इन, फाउंड इन कहां मिलेंगे, स्टोरेज ट्यूबर, स्टोरेज ट्यूबर होंगे वहां पे स्टार्च मिल जाएगा आपको, स्टोरेज ट्यूबर्स में मिल जाएगा। उसके बाद एंडोस्पर्म वगैरह होते हैं वहां मिल जाएंगे, एंडोस्पर्म,
ठीक है, ये ध्यान रखना, एंडोस्पर्म हो जाएंगे। और लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं, एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप है, ये लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट ध्यान रखना, लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट है। उसके बाद अब आ जाओ कहां का मिलेगा भैया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, सीरियल्स हो गया, सब जगह मिल जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट जो है एमाइलोप्लास्ट कहां का मिल जाएगा, और जहां जहां स्टार्च मिल जाएंगे, आलू में स्टार्च होता है, पोटैटो इसलिए तो बोला, बनाना में होता है, केले में इसलिए तो बोला, सीरियल्स होते हैं हाँ वहां मिल जाएंगे, स्टार्च मैंने तो पूरा पढ़ा दिया है, स्टार्च स्टोर करता है, बस काम खत्म। आपसे तो इतना ही पूछेगा, एंडोस्पर्म की बात भी नहीं करेगा, बस इतना ध्यान रखना कि ट्यूबर फाउंड इन ट्यूबर्स, ट्यूबर्स में मिल जाते हैं ये आपको, जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं एक तरीके से स्टोरेज ट्यूबर्स में मिल जाते हैं ये। ठीक है, यहां पे स्टार्च स्टोर होता है और ये लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट है एमाइलोप्लास्ट। दूसरे नंबर पे बताओ किसकी बात करो, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट को तैलद लवक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है इलायोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, तैलद लवक। अब इसकी बात करो, इलायोप्लास्ट मतलब फैट और लिपिड को स्टोर करता है, तो हिंदी में सुन लो, इलायोप्लास्ट ये वसा का संग्रह करते हैं, ऐसा लिख लो, ये वसा का फैट का संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं, ये हो गया हिंदी में। अब इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में ऐसा है, इलायोप्लास्ट की बात करो, दीज आर फिल्ड विथ ऑयल एंड फैट्स, ऐसा लिख सकते हो, दीज आर फिल्ड विथ तेल या फैट से बोल दो। ठीक है, ऑयल एंड फैट से फिल्ड होते हैं, इतना ध्यान रखना है। कहां का मिलेंगे, कास्टर सीड, ग्राउंड सीड, कास्टर का तेल होता है ना, तो कास्टर सीड, ग्राउंड सीड वहां वहां मिल जाएंगे। क्या कर रहे हैं स्टोर, क्वेश्चन आएगा, लिपिड को कर रहे हैं या ऑयल को कर रहे हैं या फैट को कर रहे हैं, इतना ध्यान रखोगे। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे आपका काम हो जाएगा। अब एल्यूरोप्लास्ट पे आ जाओ, एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट, जो मैंने बताया था वो प्रोटीन का संग्रह करते हैं, काम खत्म। ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि इतना ही आपके लिए सफिशियंट, अदरवाइज नीट में एंट्री कर जाऊंगा मैं, इससे ज्यादा मैं गया ना तो नीट एग्जाम के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जब भी थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे, आजकल कर रहे हैं टच, क्वेश्चन को अच्छे लेवल पर पूछी जा रही है, तो इतना पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा ल्यूकोप्लास्ट कौन होता है बता देना, सबसे ज्यादा स्टोर किसमें चीज होती है, तो आपको स्टोरेज के फॉर्म में बात करेगा तो प्लास्टिक की बात की जाएगी, प्लास्टिक में फूड स्टोर होता है, उसमें क्या क्या स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट बता देना, क्या क्या स्टोर होता है, तो एल्यूरोप्लास्ट आ जाओ, एल्यूरोप्लास्ट की बात करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरो, एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट मैंने लिख दिया, बार बार नहीं लिखते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, इसको हिंदी में एल्यूरोप्लास्ट ही बोलेंगे। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट की बात करें, ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं, लिख लेंगे, ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं, बस हो गया। इंग्लिश में सुनेंगे, इंग्लिश में दीज स्टोर्स प्रोटीन, ये क्या करते हैं, दीज स्टोर्स, मैं हट जाता हूं कि आप जल्दी जल्दी लिखते जाना ताकि मैं मिटाते जाऊं फटफट। ठीक है, दीज स्टोर प्रोटीन, कहां कहां भैया, अब स्टोर करेंगे प्रोटीन कहां कहां, कहां कहां, तो भैया पल्स में, दाल में, मेज में, है ना, तो पल्स हो गया, दाल हो गई, मेज, मक्का हो गया, यहां स्टोर हो जाते हैं प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट की बात हो गई। ठीक है, और मैं इसके डायग्राम भी बनाकर दिखा सकता हूं, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जिसकी डायग्राम मुझे बनाना है वो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अदरवाइज मैं इसकी डायग्राम बनाकर आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, ये लेकिन आपको जैसे एल्यूरोप्लास्ट की बात, एमाइलोप्लास्ट की बात करो, एमाइलोप्लास्ट कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कुछ इस टाइप के होते हैं एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो ये सब चीज आपको नहीं पढ़नी है, नहीं पूछा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीन प्लास्टिक आपने पढ़ लिया। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की फिर से बात करो, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मींस कलरलेस, मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब कोई कलर नहीं है, व्हाइट क्या है, एब्सेंस ऑफ कलर। नहीं पता है तो भैया मैं फिजिक्स में समझा दूंगा, यहां मैं फिजिक्स उतनी बात नहीं करता हूं। ठीक है, बात इतना चिंता मत करना कि आपको कलर नहीं पता है, मैं समझाऊंगा कि व्हाइट एब्सेंस ऑफ कलर होता है, विविगो रीजन समझना है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन 400 से 700 नैनोमीटर होती है, 400 से 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, PAR, तो उन चीजों की बात करूंगा मैं, फिजिक्स में भी पहुंचेंगे हम लोग, वहां भी कुछ कुछ पढ़ेंगे जितनी आपके सिलेबस में है, और उससे भी बढ़ के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस में तो कुछ और है, पूछ आगे बढ़ के पूछ ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उतना हम लोगों को कवर करना है। तो ल्यूकोप्लास्ट फिर से सुन लो, ल्यूकोप्लास्ट में तीन टाइप आपने पढ़ लिया, पहला टाइप था जल्दी बताओ एमाइलोप्लास्ट, दूसरा टाइप था इलायोप्लास्ट, तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, और बाकी इसका नाम आपने लिख लिया था पहले ही।
दीज आर कलरलेस प्लास्टिड. ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है. और क्या है? मोस्टली फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट्स, दोज प्लांट पार्ट्स विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट. मतलब ऐसे पार्ट में, प्लांट के वो पार्ट में, भाग में पाए जाएंगे जहां पे लाइट नहीं पड़ रही है, जहां पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है. मतलब अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट का जड़ वाला रीजन में लाइट नहीं जाती, वहां मिल जाएगा. या कोई टिश्यू है, टिश्यू के अंदर, अंदर तो लाइट नहीं घुस रही है ना, एरोबिक कोई टिश्यू है, कोई उत्तक है, उसके अंदर में तो लाइट नहीं घुस रही है ना, अंदर, पूरा अंदर, तो वहां भी मिल जाएगा. बट नॉर्मली आप ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स यानी कि रूट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं. तो मैंने क्या बताया आपको कि मोस्टली फाउंड इन दोज प्लांट पार्ट्स, वो प्लांट के पार्ट्स में मिलते हैं विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, जैसे कि जड़, रूट में. ठीक है. तीसरा, प्राइमरी फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का फूड का स्टोरेज है. आपने देखा सब कर रहे हैं, स्टार्च किया, प्रोटीन किया, सब कुछ कर रहे हैं. ठीक है. लार्जेस्ट प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, आपको ध्यान रखना है. लार्जेस्ट लैमिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो आपको नहीं समझना है. पिगमेंट इसमें अब्सेंट होते हैं. ल्यूको मीन्स कलरलेस, पिगमेंट क्या होगा? अब्सेंट, वर्णक नहीं होंगे, कोई पिगमेंट नहीं होगा. ठीक है, इतना ध्यान रखना. ये हो गया ल्यूको. क्रोमोप्लास्ट, ये तो खतरनाक, ये ना होते तो पॉलिनेटर्स, मतलब अट्रैक्शन जो है ना, आपके अट्रैक्शन फूलों को देख के, फलों को देख के, कलर जो है, इतनी कलर वलर दिख रही है, ये जितने कलर वलर है सब क्रोमोप्लास्ट के कारण है, सब क्रोमोप्लास्ट के कारण. ठीक है ना, सारे कलर यही देते हैं. ग्रीन को छोड़ दो, ग्रीन कलर, हरा कलर को छोड़ दो, वो तो क्लोरोप्लास्ट का काम है. बाकी जितने कलर है, येलो हो, ब्राउन हो, रेड हो, सब क्रोमोप्लास्ट का काम है. लिखो क्रोमोप्लास्ट. फूलों का कलर, क्रोमा मींस मैंने बता दिया कलर ही होता है, क्रोमोप्लास्ट. फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे. क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, जल्दी सुनिए. क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़ के, हरे रंग को छोड़ के, मतलब हरे रंग को छोड़कर किसी अन्य रंग के प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं. हरे रंग को छोड़ के किसी अन्य रंग के प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. इट इज क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. और इट इज फाउंड इन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट. इट इज फाउंड इन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स, कलर पार्ट में प्लांट्स के, लेकिन ग्रीन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के, बाकी सारे कलर्ड पार्ट ले लो प्लांट्स के, कलर पार्ट उसमें मिल जाएंगे, एक्सेप्ट ग्रीन. ठीक है, इतना ध्यान रखना है. बाकी उसके बाद या फल की भित्तियों में मिल जाएंगे, पुष्प के दल पुंजों में मिल जाएंगे. फल की भित्ति, फल, फल ले लिया, उसके वाल जो होती है बाहर का, फल की भित्तियों में मिल जाएंगे. और दल पुंज, पुष्पों के जो गुच्छे होते हैं, पुष्प जो कलर है ना, फूलों का जो कलर है ना, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण है. अभी लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं आपको, मैंने हिंदी में बता दिया आपको एक बार में. यह मैंने बताया, हरे रंग को छोड़कर किसी अन्य रंग के प्लास्टिड को, किसी अन्य रंग के प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. और यह फल की भित्तियों, फल की भित्ति एवं पुष्प दल पुंजों में पाए जाते हैं. इतना लिख लोगे, ठीक है. अब लिखो इंग्लिश में, अब आ जाओ इंग्लिश में. इंग्लिश में क्या है? क्रोमोप्लास्ट के बारे में. क्रोमोप्लास्ट के बारे में अगर जानना है तो क्रोमोप्लास्ट की कहानी आपने जान लिया कि ये कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स मिलेंगे ग्रीन को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रीन. अब आगे थोड़ा पढ़िए, आगे ये जानना है कि प्लास्टिड आर, दिस प्लास्टिड आर येलो और रेडिश इन कलर. दिस प्लास्टिड आर येलो और ग्रीन, नाम मिलना, ग्रीन नहीं, हरा मत नाम लेना, रेडिश इन कलर. रेडिस इन कलर मतलब जो भी कलर है ग्रीन को छोड़कर, सब यही दे रहे हैं तरीके से. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्यों है ये, क्यों कलर है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, कोई पिगमेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ कोई पिगमेंट होगा, कैरोटेनॉइड पिगमेंट. ठीक है, ये है. क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा यहाँ पे, कैरेटोनाइड पिगमेंट है. कैरेटोनाइड पिगमेंट की बात करूं, जेंटोफिल है, इतना थोड़ा सा जान लो, जेंटोफिल है, कैरोटीन है. ठीक है, जेंटोफिल, जेंटोफिल ज्यादा होता है, कैरोटीन कम होता है उसके मुकाबले में. ठीक है, तो जेंटोफिल है और उसमें क्या है, कैरोटीन है. ठीक है, जेंटोफिल और कैरोटीन, इतना ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्या है. ठीक है, तो ये कैरेटोनाइड पिगमेंट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है. चेंज ऑफ कलर From green to reddish during the ripening of tomato, change of color, color का जो change होता है during the ripening of fruit, जब fruit या टमाटर या मिर्ची, हरी मिर्च जब पक रही होती है तो क्या होता है, जैसे टमाटर ले लो, हरा होता है, कच्चा होता है तो हरा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट उसमें है, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो पढ़ने वाले हैं, क्लोरो, लेकिन जैसे वो पक गया, लाल हो गया, तो वो क्रोमोप्लास्ट बदल जाता है. इसलिए मैंने बोला था कि ये प्लास्टिड, क्लोरो, क्रोमोप्लास्ट, ग्लूकोप्लास्ट आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं,
क्लोरोप्लास्ट टमाटर का पकता है टमाटर, जब पक जाता है तो वो लाल कलर का हो जाता है टमाटर, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज एक कैरेटिनोइड पिगमेंट होता है उसमें, लाइकोपीन, लाइकोपीन पिगमेंट होता है ना। तो रेड कलर जो टोमेटो को होता है, लाइकोपीन पिगमेंट, जो कि कैरेटिनॉइड पिगमेंट है। तो मैंने बार बार बोला, जो कलर आ रही है वो यही पिगमेंट के कारण आ रही है, कैरेटिनॉइड पिगमेंट। ठीक है, कैरेटिनॉइड पिगमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्जन हो जा रहा है क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, ये कारण है। रेडिश की बात करूं, चिली की बात करूं, चिली चिली जैसे मिर्च वगैरह हो गए, हरी मिर्च हरा होता है, पकता है तो देखना लाल कलर का हो जाता है। क्यों? हरी थी तो क्लोरोप्लास्ट था, पका तो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्रोमो में कन्वर्ट हो गया, तो क्रोमो हो गया तो लाल दिखने लगा। एक इंटरकन्वर्टिबल है, एक एग्जाम्पल पता चला, दूसरा पता चला टमाटर का। ठीक है, तो ये हो गया ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट। जैसे कि गाजर ले लो, ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट, कैरेट की जो ऑरेंज कलर होती है इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही। आपने देखा क्रोमोप्लास्ट में येलो ऑरेंज रेड इस सब कलर के ये पाए जाते हैं, ग्रीन को छोड़ के। तो कैरेट की एग्जांपल ले लोगे, कैरेट गाजर की, क्यों क्यों होता है ऑरेंज कलर? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स कलर टू मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों को देख लो, कलर जो है ना, जितने फूल में कलर देखते हो, ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है कलर। इससे क्या होता है, पॉलिनेटर्स जो होते हैं, इंसेक्ट हो गया, आंट हो गए, एलिफेंट हो गया, जो भी पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर क्या होता है, जो पॉलिनेशन कराते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है ये मैं बताऊंगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसकी बात मैं करूंगा। बट राइट नाउ आप ये समझे कि पॉलिनेशन में अट्रैक्शन चाहिए, कि ये फूल का कलर अगर अच्छा दिख रहा है तो अपने आप कोई इंसेक्ट हुआ, एंट हुई, एलिफेंट हुई या बैट हुआ, अपने आप उसके पास जाएगा, और जाएगा तो पॉलिनेशन करा देगा परागकण के माध्यम से, पॉलेंस के माध्यम से। तो ये कलर बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स कलर टू मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को क्रोमोप्लास्टी है जो कलर प्रोवाइड करता है, बस इतना ध्यान रखना है। क्यों? अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं जैसे इंसेक्ट, तो लिख लेंगे, लिखेंगे कि लिख दूं, आप लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, मैं तो दोहरा देता हूं क्योंकि आप लिख लो। ठीक है, इसलिए क्रोमोप्लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे कलर जो भी है, कलर कलर रंग बिरंगे चीज देख रहे हैं फूलों में, फूलों में, फलों में, सब इसी के कारण है, क्रोमोप्लास्ट के कारण है। क्रोमो मीन्स कलर ही होता है, समझ रहे हो। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन पिगमेंट, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन पिगमेंट, लाइकोपिन एक तरीके से कैरेटिनॉइड पिगमेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू मेनी फ्लावर, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू मेनी फ्लावर्स, फूलों को। ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्यों 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 कोई पूछे तो, फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। लाइक बैट, चमगादड़, इंसेक्ट, एंट, ह्यूमन, ह्यूमन भी पॉलिनेटर, हम भी लोग देख लो, फूल होते हैं अपने, कलर रंग बिरंग के होते हैं, तो हम लोग जाते नहीं उसको तोड़ने के लिए, उसको देखने के लिए कैसा है, तो हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, तो क्यों नहीं बाकी जानवर होंगे, ऐसी बात है। अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन करा देंगे, पॉलिनेशन क्या होता है आप समझोगे। इनफैक्ट पॉलिनेशन पे तो MPPCS ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कोरोना से पहले वाले समय में जो एग्जाम हुई थी, अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा क्या पूछा गया था, उसमें क्या पूछा गया उनको पता है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा पॉलिनेशन में। ठीक है, तो ये हो गया, दे प्रोवाइड ब्राइट रेड, ये क्या करते हैं, ब्राइट रेड और ऑरेंज कलर देखते हो, फलों का जो रंग होता है ब्राइट रेड होता है या ऑरेंज कलर होता है फ्रूट्स में। क्यों? क्योंकि वो कलर होता है, इससे क्या होते हैं कि पक्षी वगैरह, जैसे कि पक्षी है कोई, उसने जाम को खाया, ग्वावा को खाया, अमरूद को खाया, खाने के बाद क्या हुआ, जो उसकी बीज है पेट में, वो बीज उसके मल से, उसके 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 फीसेस से, उसके मल से, उसके फीसेस से बाहर निकल गई, जहां भी ड्रॉपिंग के फॉर्म में गिरेगी, वो उसका बीज जो है फिर से कहीं गिरा और फिर से अंकुरित हो गया, और वो फिर से पौधा अपनी जनरेशन आगे बढ़ा लिया। ठीक है, तो क्या है, पौधे क्या करते हैं, इस क्रोमोप्लास्ट जो होता है पौधों में, फलों में, वो
कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होते हैं तो बाकी जो जानवर हैं उसको खाएंगे और सीड डिस्पर्जल का काम करेंगे, उसके सीड जो है ना यहाँ वहां खाएंगे। तो जैसे हम ही हैं, आम खाएंगे गुठली कहीं फेंक देते हैं, तो भैया गुठली कहीं तो जमेगा ना, कहीं तो जर्मिनेट होगा ना, फिर वहां पे पौधा बनेगा ना, तो प्लांट का यही फायदा होगा ना, उसकी जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो ये भी एक फायदा हो गया। तो ये है, दे प्रोवाइड क्रोमोप्लास्ट जो है, दे प्रोवाइड ब्राइट रेड और ऑरेंज कलर टू फ्रूट्स, फ्रूट्स को देते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिंग एनिमल, एनिमल अट्रैक्ट होते हैं, ये कलर जो होते हैं ना फ्रूट्स में, एनिमल अट्रैक्ट होंगे, खाएंगे और सीड का डिस्पर्जल करेंगे, बीजों को यहाँ वहां खाएंगे। भैया कोई आप जानते हो तोता वगैरह खाता है, कहीं वो अपना लैटरिंग कर दिया तो क्या होगा, वहां पे देखना उसके लैटरिंग में बीज होते हैं, वो बीज फिर से जम जाते हैं ना, आप जानते हो, फिर वो उनकी जनरेशन आगे बढ़ रही है। जो भी पौधा खाएंगे, जो भी पौधे का फ्रूट खाएंगे, जनरेशन आगे बढ़ेगी, तो सीड डिस्पर्जल होगा, यहां से वहां सीड चले जाएंगे। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत काम की चीज है, पढ़ेंगे हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में, ठीक है। ये हो गया क्रोमोप्लास्ट के बारे में, इतना आप ध्यान रखोगे। क्रोमोप्लास्ट सीड डिस्पर्जल ड्यू टू कलर पार्ट जो है फ्रूट के अंदर, उसके कारण अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स, और एनिमल्स आएंगे खाएंगे और खाकर कहीं ना कहीं ले जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे तो सीड इधर उधर फैल जाएगा, सीड डिस्पर्जल होगा, वहां से फिर एक पौधा जन्म ले लेगा। तो पौधे का यही काम है ना भैया, उनकी जनरेशन कैसे बढ़ेगी आगे, वो तो चलते नहीं है बेचारे, एक जगह खड़े हैं, तो कैसे जनरेशन बढ़ेगी भैया। उनका जनरेशन बढ़ाने के लिए उनको कुछ उपाय करना पड़ेगा, यही उपाय है, अच्छे अच्छे फल बनाओ, रंग बिरंगे फल बनाओ, लोग खाएंगे, जानवर खाएंगे, और इधर उधर सीड का डिस्पर्जल करा देंगे। हम ही हैं, आम खाते हैं पेड़ से, तुर क्या कहीं से, भाई लखनऊ से आम आया दशहरी, भोपाल में आया या कहीं दिल्ली में आया, और यहाँ पे लोग खा के कहीं गुठली फेंक दिए, तो भाई वहां का आम का गुठली पेड़ का यहाँ जम रही है, तो सीड डिस्पर्जल हुआ कि नहीं। तो हम लोग अपने फायदे के लिए सीड डिस्पर्जल कर रहे हैं, वो जानते हैं पौधे, इसीलिए तो फल बनाते हैं, फल बना रहे हैं और कलरफुल बना रहे हैं ताकि अट्रैक्ट हो। बाकी इसकी कहानी आप समझोगे कहाँ, इकोलॉजी एनवायरमेंट में, कहाँ इंटरेक्शन जो होती है, म्यूचुअलिज्म, पता है म्यूचुअलिज्म, बेनिफिट्स दोनों को होती हैं, और इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, याद है, कुछ याद होगा तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं वहां पे आऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं प्रोटोकॉपरेशन, क्या होता है म्यूचुअलिज्म, क्या होता है कंपटीशन, ये सारी चीज आपको पता चलेगी, और क्या क्या टाइप्स हैं, ये चीज आपको पता चलेगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात, अब आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट हो गया, अब आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करोगे तो क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, और इसके अंदर होगा क्लोरोफिल, इसके अंदर जब क्लोरोफिल होगा जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अपना खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन बोलते हैं, खाना बन रहा है, ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं क्योंकि ग्रीन कलर इसके अंदर होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है द्विस्तरीय झिल्ली होती है, ठीक है। ये इसके अंदर मैं कुछ आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट को समझना था इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी जितना आपको जानकारी चाहिए थी उतना मैंने आपको दे दिया। ये क्या है, थैलाकॉइड में ड्रॉ कर रहा हूं, थैलाकॉइड, इसी के अंदर क्लोरोफिल होती है, ठीक है। वैसे तीन ही, एक दो तीन चार, ऐसे में समझ लो 20-25-30 तक हो जाते हैं, ये समझो कि क्वाइन होता है ना, क्वाइन सिक्के, एक के ऊपर ऐसा रखा गया, सिक्के टाइप के, ठीक है, पाइल अप किया गया है, ठीक है। और ये जुड़ी भी होती है कोई चैनल से, इस चैनल का नाम है फ्रेट्स चैनल या स्टोमा लेमिली, ठीक है। आपके एग्जाम में तो स्टोमा लेमिली नॉर्मल जीएस के हिसाब से याद रखते हैं लोग, बट फ्रेट्स चैनल टेक्निकल नाम भी है इसका, और भी नाम है, बट आप दो नाम मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है, बेसल फ्लूड है इसके अंदर, मैट्रिक्स एक तरीके से, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। इसके अंदर कुछ डार्क रिएक्शन जो होगी फोटोसिंथेसिस में, उसकी एंजाइम इसके अंदर मिल जाएगी, जैसे रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम यहां पे मिल जाएगा, रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम, रूबिलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये फुल फॉर्म है, मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट मिल जाएगी आपको, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, थैलाकॉइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है।
आपको क्या लगता है क्लोरोफिल पिगमेंट इतना साधारण स्ट्रक्चर होगा? अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूं ना क्लोरोफिल पिगमेंट, तो छोटा पड़ जाए बोर्ड, इतना बड़ा होता है। ठीक है, हेड होते हैं उसके अंदर, रिंग होती है उसके अंदर, पोर फायरिंग रिंग होती है। वो स्ट्रक्चर आपको नहीं समझना है, फिर भी मैं आपको कुछ तो बताऊंगा उसके अंदर का पार्ट। मैग्नीशियम होता है उसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, हेड रीजन में भी सेंटर पे। ठीक है, तो ये हो गया लाइट अब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट होगी उसके अंदर, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट उसके अंदर मिल गया, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट बोल दो, या लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट बोल दो, या क्लोरोफिल पिगमेंट बोल दो, सीधा ऐसा बोल दो, ये तो एब्जॉर्ब करता ही है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसके अंदर मिल जाएगा। अब पूछोगे ये क्या है, तो देखो भैया इस एक को बोलते हैं थायलाकॉइड, थायलाकॉइड, ये पूरे को बोलते हैं ग्रेनम, और सारे ग्रेनम, ये सारे ग्रेनम हैं, उनको मिला के बोलते हैं कलेक्टिवली ग्रेना, उनको मिला के ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, किस चीज से बनी होगी, लाइपोप्रोटीन।